नमस्कार, मिशन हेल्थ के अंतर्गत डॉक्टर अस्पताल में के कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा पहलू है जिस पर हर व्यक्ति विचार करता है। सरकार के द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए बहुत से प्रयास चलाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में इसके लिए अनेक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। पूर्वांचल के क्षेत्र में दिमागी बुखार आज चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में सरकार के द्वारा इसके इलाज के लिए, उपचार के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं और इनसे किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है, यह जानने के लिए हम आज उपस्थित हैं देवरिया के बाबू मोहन सिंह जिला अस्पताल में। तो आइए चलते हैं अस्पताल के अंदर। दिमागी बुखार के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में मौजूद सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज बाबू मोहन सिंह जिला अस्पताल देवरिया में शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश वर्मा जी हमारे बीच में हैं। इनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में बुखार आने पर हमें क्या सुरक्षा के उपाय करने चाहिए और दिमागी बुखार से बचाव के लिए प्राथमिक रूप से क्या इलाज है? कोई भी बुखार जो होता है वो दिमागी बुखार या नौकी बीमारी के रूप में परिवर्तित हो सकता है। इसके लिए अगर किसी भी बच्चे को बुखार हो, उसको तुरंत निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप केंद्र पर बच्चे को इलाज के लिए ले जाएं। साथ में बच्चे को बुखार को कम करने के लिए गीले कपड़े से हाथ पाँव पोछें या सर पर गीली पट्टी करते रहें उसको, जिससे उसका बुखार कम हो। उसके वजह से उसको बच्चे को जो है झटके नहीं आएंगे। बहुत तेज़ बुखार होने पर झटके आने लगते हैं, बुखार कम हो जाएगा तो झटके आने की संभावना कम रहेगी। डॉक्टर साहब, दिमागी बुखार का तुरंत उपचार किया जाना क्यों ज़रूरी है? सही समय पर सही इलाज करने से दिमागी बुखार का रोगी तुरंत ठीक हो सकता है। अगर सही समय पर सही इलाज इसको नहीं मिलेगा तो इस बीमारी के कारण उसकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसके लिए उप केंद्रों पर कौन कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं? उप केंद्र पर हमारे यहाँ जो है प्रशिक्षित ANM रहती है, जिनके पास बुखार की दवा और थर्मामीटर रहता है। कोई भी बुखार का बच्चा अगर उनके पास जाता है तो वो उसको जो है पहचान लेती है कि ये सामान्य बुखार है कि ये दिमागी बुखार है, और उसको दवा देने के उपरांत अगर उनको लगा कि ये दिमागी बुखार है तो वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए उसको रिफ़र कर देते हैं। डॉक्टर साहब, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिमागी बुखार के इलाज के लिए और कौन कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं? केवल 7 जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इंसेफ्लाइटिस उपचार केंद्र की सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास इस समय जो भी गवर्नमेंट देता है, प्रोवाइड करती है सुविधाएं, सारी सुविधाएं हैं। ये CSC में हमारे जिस जगह आप बैठे हैं ये JEE वार्ड है, यहाँ पे हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। जितना इमरजेंसी ड्रग्स हैं, ऑक्सीजन है, सक्शन मशीन्स हैं, बेड हैं, AC रूम है हमारे पास, और प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का सारा लगा हुआ चार्ट बना हुआ है। हम जब भी कोई पेशेंट इसमें एडमिट करते हैं उसको पहले तो डायग्नोसिस बनती है। डायग्नोसिस के बाद अगर उसको जो होता है फीवर और अल्ट्रेट सेंसोरियम करके आया है पेशेंट, एक हफ्ते 15 दिन से अंदर है उसका फीवर, उसको एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और ट्रीटमेंट करने के बाद अगर हमें प्रोग्रेस दिखता है तो हम उसका फुल ट्रीटमेंट यहाँ पर करते हैं। अगर प्रोग्रेस नहीं दिखाई देता है, प्रोग्नोसिस नहीं लगती है, तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देवरिया या मेडिकल कॉलेज रिफर करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। सर, सबसे पहले तो हमारे OPD में पेशेंट आते हैं, जो भी इमरजेंसी में डॉक्टर रहते हैं वो देखते हैं, उसको चेकअप करते हैं और डॉक्टर एडवाइस देते हैं, तो उसके हिसाब से हम उसको IV ड्रिप फ्लूड जो भी है इमरजेंसी दवा
हम पेशेंट को देते हैं और हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, सेक्शन मशीन है, इमरजेंसी दवाइयाँ हैं, आईवी फ्लूइड है और डॉक्टर उसको देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं और यदि जितना हम लोग संभव उतना हम लोग प्रयास करते हैं मरीज का दवा ट्रीटमेंट करते हैं। जब मरीज हमारा ठीक हो गया तब तो हम लोग उसको भर्ती रखते हैं, जब मरीज का कंडीशन नहीं सुधर पाता, नहीं ठीक हो पाता है तो हम लोग जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के लिए उसको रेफर करने के लिए दवाई देते हैं। बाकी 31 जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटे डॉक्टर आपातकाल की स्थिति में उपलब्ध हैं। 9 जिला अस्पताल पर 10 बेड का PICU उपलब्ध है। 24 घंटे डॉक्टर जांच, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सुविधा, प्रशिक्षित स्वास्थ्य एवं तथा पैरामेडिकल स्टाफ, मच्छरों से बचाव की सुविधा है। झटकों के प्रबंध के लिए डॉक्टर समन्वय करके विशेष सहायता सुनिश्चित करते हैं। यह तो सुविधाओं की बात हो गई, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो मरीज आते हैं जी, क्या उनकी जांच के लिए कोई शुल्क भी लिया जाता है? और जो मरीज आते हैं और उनके साथ उनके परिजन आते हैं, क्या उनके रहने खाने का भी कोई प्रबंध है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी प्रकार की किसी भी जांच की कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, यह सारी सुविधा निःशुल्क मौजूद है। मरीज के रहने और खाने की सुविधा उपलब्ध रहती है, परिजन के लिए रहने की व्यवस्था रहती है, खाने की व्यवस्था उनको स्वयं करनी पड़ती है। ये तो हो गई प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों की बात, लेकिन अब हम जिला अस्पताल पर आते हैं। दिमागी बुखार के इलाज के लिए जिला अस्पताल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? पूर्वांचल के जो हमारे दो मंडल हैं, गोरखपुर बस्ती मंडल, यहाँ मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है। मंडलों में जितने हमारे 7 जिले हैं, इन 7 जिलों में 10 बेड के PICU की स्थापना की गई है, जिसमें 24 घंटे चिकित्सक रहते हैं, साथ में वेंटिलेटर है, जाँच की सुविधा उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध है और इसके साथ साथ प्रशिक्षित हमारे पास स्टाफ वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। मरीज के दिमागी बुखार से पीड़ित होने की संभावना है, हम इस मरीज को सभी लक्षणों को मिलाते हुए हम इसके दिमाग का पानी रीढ़ के द्वारा निडिल डालकर निकालने के लिए कर रहे हैं काम। इस पानी को निकाल करके हम इसकी रूटीन एग्जामिनेशन करेंगे, दिमाग के पानी का रूटीन टेस्ट होगा और उसमें हम जेई टाइटर देखेंगे कि इसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस के वायरस के कारण जेई टाइटर कितना है। सीरम और सीरम में भी जेई टाइटर देखते हैं और इसमें भी जेई टाइटर CSF में भी देखते हैं, और अगर दोनों में अगर है जेई टाइटर इंक्रीज है तो हम ये कंफर्म मार लेते हैं कि इसको बच्चे को जापानी इंसेफ्लाइटिस हो गया है। जापानी इंसेफ्लाइटिस के अलावा हमें अगर दिमाग में TB है या स्क्रब टाइफस है या कोई वायरल काज है जिसकी वजह से इंसेफ्लाइटिस हो रहा है तो हम उसकी जाँच की रिपोर्ट आने के बाद हम उसकी एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के आधार पर ही हम बच्चों का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये पानी हमारे सेंटिनल लैब में जाएगा, मेरे पास जो सेंटिनल लैब है अभी उसमें जाएगा, वहाँ पे हमारे CDC अटलांटा और निमहेंस के सहयोग से जो हमारी लैब कोऑर्डिनेटर्स की टीम बैठी है, जो टेक्नीशियंस हमारे बैठे हुए हैं, वो उस पर CSF की पूरी तरह सघनता से जाँच करेंगे और करीब 2 से 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, CSF की जांच की रिपोर्ट आ जाती है और ये CSF कुछ हमारे एपेक्स लैब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को जाएगी, जहां पर हमारी जो चिकनगुनिया और जीका वायरस और अन्य वायरसों की खोज होगी। हमारे लैब में जापानी इंसेफ्लाइटिस के टाइटर देखे जाएंगे, हमारे डेंगू इंसेफ्लाइटिस के लिए जाँच होगी, हमारे यहाँ अन्य स्क्रब टाइफस की भी जाँच होगी, इसके अलावा जो रूटीन टेस्ट होता है ब्लड का भी रूटीन टेस्ट हमारा, रैंडम ब्लड शुगर, सीरम क्रिएटिनिन, CBC, मलेरिया पैरासाइट, विडाल टेस्ट और गुर्दे की जो है जो जांच होती है वो सारी जांचें हमारे यहाँ लैब में होती है। ये सभी जांचें हमारे अस्पताल में निःशुल्क है और सेंटर हमारा जो एपेक्स लैब है वहाँ भी फ्री जांच जाती है, आवश्यकता पड़ने पर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये निमहेंस बेंगलोर भी जाती है, उसमें से भी कुछ सैंपल्स हमारे सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल अटलांटा जाती है। दिमागी बुखार के इलाज में जांच की बड़ी महत्ता रहती है, तो जिला अस्पताल में जांच की क्या विशेष व्यवस्थाएं हैं? जिला अस्पताल में नौकी बीमारी या दिमागी बुखार के लिए जो भी मरीज भर्ती होता है उनके लिए हमारे पास विशेष जाँच की सुविधा है, जिनके तहत उनके रक्त की सारी जाँचें कराई जाती हैं, साथ में जो होता है उनका जो होता है CSF का एग्जाम जाँच करा के उससे ये पता लगाया जाता है कि कौन सा कीटाणु इनको जो है वास्तव में इन्फेक्ट किया हुआ है, जिसके लिए हमारे देवरिया जिला अस्पताल में CDC अटलांटा की सेंटिलेटर लैब भी है जो पूरी जांच करके ये रिपोर्ट देती है कि कौन किस वजह से ये इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क ज्वर हमारे
इस क्षेत्र में फैल रहा है। तो पहले जैसे ही हमारे पास लैब में आता है ब्लड आईसीयू वार्ड से या फिर एएसजी वार्ड से, उसको हम लोग पहले सेपरेट करते हैं और सेपरेट करने के बाद वायल में स्टोर करते हैं। वायल दिखाएंगे आप, ये वायल है, इसमें सेरम को हम लोग रखते हैं और फिर सारे पेशेंट्स के सेरम को, जैसे कि आज ये स्क्रब टाइफस की टेस्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे हम बेसिकली स्क्रब टाइफस डेंगू एंड जेई की टेस्टिंग करते हैं। तो आज स्क्रब टाइफस की टेस्टिंग हो रही है और इन्होंने वेल्स में सेरम लोड कर रखा है और इसमें बाकी रिएजेंट डालेंगे और जो भी पेशेंट स्क्रब टाइफस के लिए पॉजिटिव होगा वो उसी हिसाब से हमारे पास रिजल्ट आएगा और हम लोग रिजल्ट को कम्युनिकेट कर देते हैं पीडियाट्रिक वार्ड को एंड आईसीयू के डॉक्टर्स को। और ये रिएजेंट डालने के बाद में हम लोग इसको इंक्यूबेट करते हैं और उसके बाद में इनकी ओडी वैल्यू लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि पेशेंट स्क्रब टाइफस के लिए पॉजिटिव है या नहीं। तो जैसे ही हमारा इंक्यूबेशन पीरियड समाप्त हो जाता है, हम ओडी वैल्यू लेने के लिए एलाइजर रीडर के पास आते हैं और ये हमारा एलाइजर रीडर है जिसमें हम लोग इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम प्लेट को ऐसे प्लेस करते हैं और प्लेस करने के बाद ये रीडिंग लेने के लिए इसको सेट करते हैं और ये मशीन इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी रीडिंग ले रही है। और जैसे ही रीडिंग कंप्लीट हो जाती है, हम लोग इसको प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करो और प्रिंट करने के बाद हम लोग जो भी हमारी ओडी वैल्यू है कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद में जो कट ऑफ वैल्यू होता है उसको डिसाइड करते हैं और बेस्ड ऑन दैट हम लोग फिर ये देखते हैं कि कौन सा पेशेंट नेगेटिव है या फिर कौन सा पेशेंट पॉजिटिव है और उसी रिजल्ट को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं पीडियाट्रिक एंड आईसीयू वार्ड को। तो जो मरीज यहाँ पर भर्ती होते हैं उनके साथ उनके परिजन भी आते हैं, तो उनके रहने खाने के लिए जिला अस्पताल में क्या व्यवस्था है? जिला अस्पताल में मरीज के रहने के लिए व्यवस्था है, यहाँ पर रहन वैसा उपलब्ध है, लेकिन खाने की व्यवस्था उनको स्वयं अपना करना पड़ता है। अगर कोई मरीज है जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों से संबंध रखता है या ज़िले के आसपास का है, तो सरकारी अस्पताल तक वो कैसे पहुँच सकता है? कौन कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से आसानी से सरकारी अस्पतालों तक पहुँच बनाई जा सकती है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 102 और 100 वार्ड की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई है। मरीज के परिजन जो होते हैं अगर इस पर फ़ोन करते हैं, ये एम्बुलेंस तुरंत उनके घर पहुंचती है और उनको सुरक्षित निकटतम अस्पताल तक पहुंचा देती है। रोगियों के लिए अस्पताल में आने का कोई समय नियत है या फिर कभी भी वो अस्पताल आ सकते हैं? सामान्यतः मरीज का जो लिए ओपीडी जो होता है हमारा 8 बजे से लेकर 2 बजे तक खुला रहता है। गंभीर मरीजों के लिए कोई भी समय की वो सीमा नहीं है, वो कभी भी किसी भी समय आ सकता है। 24 घंटे हमारे यहाँ आपातकालीन सेवा उपलब्ध रहती है जो निःशुल्क चलती है। जी, तो आपने बताया कि ओपीडी के लिए समय 2 बजे तक का तय है। अगर 2 बजे के बाद कोई मरीज अस्पताल पहुँचता है तो उसे सबसे पहले किससे संपर्क करना चाहिए? 2 बजे के बाद अगर मरीज हमारे अस्पताल में पहुँचता है तो इसके लिए हमारी जो होती है इमरजेंसी जो होती है वो 24 घंटा चलती रहती है, जिसमें एक चिकित्सक मौजूद रहता है। इसके साथ ही साथ हमारे PICU में बाल रोग विशेषज्ञ जो होते हैं 24 घंटा जो तुरंत मरीज को देख के उसको इलाज करते हैं। दिमागी बुखार के रोगियों के संबंध में उनके परिजनों को कौन कौन सा एहतियात बरतना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसका उनको ख्याल रखना चाहिए? दिमागी बुखार से ग्रसित रोगी के परिजनों के लिए उनके पहले आए कि अपने आस पास पूरी साफ सफाई की व्यवस्था रखें, मच्छरों को पनपने ना दें, चूहा हुआ अगर उनको दिखाई देता है तो उसको भी उसको सफाई कराएं, दूषित जल ना पिएं, स्वच्छ जल पीने की कोशिश करें। दिमागी बुखार के एक रोगी को पूरी तरह से स्वस्थ होने में कितना समय लग जाता है? दिमागी बुखार का अगर कोई भी रोगी सही समय पे हमारे पास पहुंचता है तो कम से कम 7 दिन से लेकर 14 दिन में बच्चा पूर्णतः ठीक स्वस्थ हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि 7 से 14 दिनों के अंदर मरीज स्वस्थ होकर के घर पहुंच जाता है, तो जब मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच जाता है तो उसके बाद उसका किस तरह से विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए? मरीज जब स्वस्थ होकर घर चला जाता है तो उनके परिजनों को हम लोग यही समझाते हैं कि जो चिकित्सीय परामर्श है इसके अनुसार उनकी दवा चलती रहेगी, साथ ही खान पान पर उनके विशेष ध्यान दें, स्वच्छ जल पिलाएं और समय समय पर चिकित्सालय के चिकित्सक से परामर्श लेते रहें। तो जैसा कि आपने देखा कि सरकारी अस्पतालों में दिमागी बुखार के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, बस आवश्यकता है सावधानी बरतने की और सही समय पर सही इलाज करने की। हम 4 तारीख को आए हैं, लेकिन पहले से हम लोग को देहात पड़ता है, पहले से 10 दिन से बीमार है, इसको झटका आया था, 2 दिन झटका आया था इसको, फिर हम यहाँ लाए, सर ने सीटी स्कैन लिख दिए, सीटी स्कैन हुआ उसमें कुछ नहीं आया, फिर सर ने भर्ती करा दिया, भर्ती कराने के बाद इसका अभी ब्लड जांच करने के लिए दिया गया है
और रीढ़ की हड्डी जो है पानी जो है हड्डी से पानी निकाला गया है। इसको बुखार अभी टाइम से चढ़ रहा है, टाइम बुखार अभी नहीं जा रहा है। जब आया था तो सर उस समय झटका आ रहा था, झटका इस समय अभी नहीं आ रहा है, पहले से तो कुछ आराम है, बिल्कुल संतुष्ट है। भटोलिया चौराहे से आया हूँ मैं, लड़के का तबीयत खराब था, दिमागी बुखार, सर दर्द और बुखार था, उल्टी हो रहा था, इसलिए मैं सदर में लेके आया, एडमिट कराया, अभी ठीक है, प्राइवेट में दिखाया था, कुछ फायदा नहीं हुआ। नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ जब आए हैं क्या स्थिति है? अभी ठीक है, अभी चल पा रहा है, चल के दिखाया मैं सुबह, अभी ठीक है। क्या कुछ जाँच भी हुआ है इसका? जाँच हुआ है, ये इंजेक्शन लगा है। यहाँ आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, सब सुविधाएं मिल रही है। हाँ, सब सुविधाएं है। बच्चे को 15 दिन से तबीयत खराब था तो हम दवा खिला रहे थे तो आराम था, उसके बाद से इसको जैसे दवा पिलाते थे तब तक आराम रहता था, उसके बाद से फिर बुखार इतना जैसे ठंडी हो के बुखार आती थी, फिर शरीर एक बार एक गर्म हो जाता था। फिर हमारे हस्बैंड आए तो लेके गए बरहज, तो वहाँ पे डॉक्टर बोले कि ब्लड चेक कराओ और पेशाब चेक कराओ, वहाँ पे ब्लड और पेशाब दोनों चेक हुआ तो वो दवा पता चला रहे थे, तो बोले कि 3 दिन बाद आना, तो हम 3 दिन बाद गए तो उनसे बोले कि हमारे बच्चे को जब हम दवा पिला रहे हैं तब तक आराम रहता है, फिर वैसे उसी तबीयत खराब हो जाती है, बोल रहे हैं कि दवा तुम चलाओ वो ठीक हो जाएगा। फिर हमारे बच्चे को 6 तारीख को एक मतलब 5 तारीख को भी उल्टी बहुत हो रहा था, फिर 6 तारीख को एक 12 बजे से उल्टी करते करते 5 बज गए, इतना मतलब पानी भी एक चम्मच पी रहे थे तो उससे दुगुना उल्टी कर रहे थे। फिर हम बहुत रोने लगे, हमारे बच्चे मतलब अच्छे से ना बोल पा रहे थे, ना ताक भी नहीं जा रहे थे, तो सुस्ती हो गई थी, ना उठ बैठ जा रहा था। फिर हम अपने ससुर से बोले तो हमारे ससुर सात वो आए दुकान से तो 8 बजे तक हम यहाँ आए, फिर इमरजेंसी में इन्हें बाटल चढ़ा, फिर वहाँ से हम वहाँ रोस रूम में गए, फिर वहाँ पे भी बॉटल चढ़ा तो हमारे बच्चे को मतलब दो कल से आज बहुत आराम है, यहाँ पे कुछ थोड़ा थोड़ा खा रहा है और बोल भी रहा है, आज तो हंसा भी है। प्राइवेट दिखा रहे थे तो वो बोले कि ब्लड और पेशाब चेक कराओ, मैं बस उनके पास 2 ही दिन लेके गई थी, जब नहीं आराम हुआ तो मैं यहाँ मेरे ससुर लेकर आए। फायदा है आपको? बहुत फ़ायदा, हमारे बच्चे मतलब पता नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये, लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ कोई बुखार का केस आता है तो सबसे पहले वो बुखार सहायता केंद्र में जाता है, जहाँ पर एक बच्चों के डॉक्टर बैठे रहते हैं, वो इसकी जांच करते हैं। डॉक्टर साहब अगर लगता है कि ये दिमागी बुखार का केस है तो उसको तुरंत PICU में भर्ती कर लेते हैं, अगर वो समझते हैं कि कुछ जाँच करवाने की तुरंत आवश्यकता है तो उसको AEJS लैब जो हमारे यहाँ नीमेंस द्वारा चलाई जा रही है वहाँ पर भेज कर जाँच करवा लेते हैं। अगर वो PICU में भर्ती करने लायक बच्चा नहीं है या एडल्ट नहीं है तो उस अस्पताल में JEIS वार्ड एक हम लोग बना रखे हैं, स्वयं वहाँ पर भर्ती कर देते हैं। जाँच के अनुसार जो समुचित इलाज होता है हम लोग उसको इलाज करते हैं। हमारे वार्ड में PICU वार्ड में वहाँ स्टाफ 24 घंटे लगे हुए हैं, वो बराबर उसको देखते हैं और समुचित सारी दवाएं उपलब्ध हैं, उसका समुचित इलाज करके उसको घर भेज दिया जाता है। दिमागी बुखार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर और भी कोई विशेष सुझाव जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें? पूर्वांचल के हमारे सभी 7 जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे ETC की स्थापना की गई है, साथ ही हमारे यहाँ जो है 10-बेडेड जिला अस्पताल पर 10-बेड के PICU की स्थापना की गई है। सही समय पर अगर मरीज को अगर इलाज के लिए लाया जाता है तो उनकी पूरी निगरानी करके उनको ठीक कर दिया जाता है तथा उनको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अगर सही समय पर सही इलाज उपलब्ध हो तो मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर जा सकता है और आगे आने वाली किसी भी आपातकालीन परिस्थिति की कोई संभावना नहीं रह जाती। बस इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे अपने आसपास साफ सफाई को मेंटेन करना होगा, खुले में शौच करने की आदत को बिल्कुल बंद करना होगा, खाने के पीने के मामले में भी साफ़ सफाई में हमेशा बरकरार रखनी होगी, घर के आसपास गंदे पानी का ठहराव नहीं रखना होगा, घर में मच्छरों का प्रवेश पूरी तरीके से रोकना होगा। इसके अलावा छछूंदर और चूहे जैसे जीव अगर घर में दिखाई देते हैं तो उस मामले में आपको साफ़ सफाई की व्यवस्था और वो जीव घर में न घुस सकें इसका भी विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार की समस्या, जिसे हम नवकी बीमारी के नाम से भी जानते हैं, वो उससे लड़ना ज़रूरी है, एक जंग जारी है। अब वक्त हो गया है चलते चलते का।
अब बारी है आज के हमारे सवाल की, तो नोट कीजिए हमारा सवाल। रोगी को सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस सेवा का फ़ोन नंबर क्या है? सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ। पिन कोड है 226001। आप अपने सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है missionhealth.ddupplko@gmail.com। डॉक्टर साहब, दिमागी बुखार के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। इसी प्रकार के अगले अंक में हमसे आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।